हेलो। जी हाँ जी फरमाइए। जी, मुझे अनस के साथ हमारा कल मौजू तय हुआ था। मैंने कहा था नदीम को बता दो कि टॉपिक वसीला रहेगा, हाँ इंशाल्लाह गुफ्तगू इस्लाही अंदाज में होगी, बैड लैंग्वेज यूज नहीं होगी। जी दो दो मिनट टाइम तयन होगा, अगर मेरे बोलते वक्त बीच में बोला गया तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने का हक रखता हूँ। अगर मैंने उसूल तोड़ा तो आप भी कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजू वसीले पे बात करेंगे कि आप बताएं कि वसीले पे आपका मौकिफ क्या है। पहले आप बता दें, 1 मिनट का टाइम आपके लिए। जी ओके, ठीक है, चले बता देता हूँ। हमारा दावा है अहले सुन्नत वल जमात का हनफी, हमारा दावा है कि वसीला हर वो कुर्बे इलाही तक रसाई बिना कैद के। अनस भाई आप अपना म्यूट कर ले। हमारा इस पर दावा है कि वसीला हर वो कुर्बे इलाही तक रसाई बिना कैद के जायज और मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब तक रसाई में किसी किस्म की हद मुतय्यन नहीं है, लिहाजा इसमें अंबिया और औलिया ईजान भी शामिल है। ये मेरा दावा है ये और मुकम्मल दावा मेरे है। अदिल्ला शरिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे अदिल्ला शरिया कुरान हदीस इज्मा और कयास शरई। आप अपना दावा बता दे और आपने माखज बता दे। वसीला हमारे नजदीक कुर्बे इलाही का जरिया है और इसकी दो किस्में हैं, एक जायज और एक नाजायज। हम जायज वसीले को मानते हैं जो कुर्बे इलाही का जरिया हो, जैसे नेक आमाल और दुआओं का वसीला। और नाजायज उसे मानते हैं जो मुशरिकीन मक्का का वसीला था कि वो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान अंबिया औलिया मलाइका और ऐसी मखलूक जो गुनाह नहीं करती उनकी जात को उनके मकाम मर्तबे को दरमियान में रखती थी। तो ये नाजायज वसीला है, ये हमारा दावा है। जी, तो नदीम भाई का मैं आपके दावे पे तनकिहात करना चाहूंगा। नदीम भाई पहले आप अपने दावे पे दलील दो। आपने मैं तब पहले देखे, दावा होने के बाद तनकिहात होती है ताकि दावा वाजे हो जाए। आप भी मेरे दावे पे तनकिहात कर हाँ, सकते हैं वो नदीम भाई, पहले आप ठीक अपने है? हाँ मैंने तो आपको आपने दावा दूंगा ना पेश इंशाल्लाह, पहले मुझे आपने दावा तनकिहात तो पेश करने किए देना आप। आप दावा पेश किए, नदीम उसकी भाई दलील दीजिए, उसके बाद आएगी बात। मैं दूंगा पहले उसूल मुनाजरा, शायद आपने तो पढ़ा मेरा नहीं टर्न है। नहीं है ना, आपका आपका टर्न है। जब वो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे दावा करने वाले आप के जिम्मे दलील है ना, पहले दलील दो ना अपने दावे की, उसके बाद तनकीहात आएगी ना। पहले मैं आपके दलील बान में आती है, तनकीहात पहले होती है, मैं आपको उसूल तक नहीं अरे बता दावा दूंगा। दावा करने वाले के जिम्मे मैं कह दलील है रहा कि हूँ, दावा बात करने सुने, वाले के जिम्मे तनकीहात है। आपने 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 हुक्म शरा अभी तक नहीं लगाया है कि जो अंबिया और औलिया ईजान का वसीला लेता है तो वो शरीयत की कौन सी पकड़ में आएगा? मैंने बोल तो दिया नाजायज, नाजायज में हुक्म क्या लगेगा? नाजायज के आप क्या शिरकिया, मुराद लेते हैं? मुशरिकीन बिदअत मक्का का बोला तो सही, मुशरिकीन मक्का का वसीला शिर्क हो गया ना। अच्छा, मतलब जो अंबिया अलैहि सलाम के जाते मुबारक का वसीला लेता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मतलब उसने जी शिर्क कर लिया, ठीक है? शिरके अकबर किया, हाँ, शिर्क के अकबर अकबर क्या, शिर्क के अकबर की तारीफ? बड़ा शिर्क, ऐसा शिर्क जिसे माफ नहीं है, बिना तौबा के माफी तारीफ नहीं तारीफ होता। तो करे ना आप उसकी भाई, नहीं, शिर्के अकबर तारीफ ना, तो करे ना, मैं खुल के वजाहत करे आप। शिर्के अकबर उसे कहते हैं जिसका करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, बिना तौबा के तो माफ कैसा नहीं शिर्क? होता। देखे नदीम भाई, आप और मेरे बात शिर्के को समझ असगर नहीं रहे वो या तो होता सुन है, नहीं रहे। शिर्के असगर दूसरी किस्म होती है, जैसे रियाकारी, ये शिर्के असगर है, गैर अल्लाह की कसम खाना शिर्के असगर है, लेकिन ये भी बड़ा कबीरा गुनाह है। नदीम भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, शिर्क अकबर की तारीफ क्या है? खुले अल्फाजों में बताया अरे भाई बता दो, आपकी नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ, इतने आसान नहीं? अल्फाज में तो बता रहा हूँ। अरे भाई शिर्के आपने अकबर बताया उसे ही नहीं तो कहते हैं समझेगा जिसके ताके। करने से आदमी दायरे इस्लाम से खारिज होता है, जैसे नवाकिस तो इस्लाम कहते हैं। शिर्के अकबर करने क्या से, करने से अब जैसे रीजन, व्हाट इज दिस रीजन मुशरिकीने मक्का क्या करते थे, गिव द आंसर नाउ। मुशरिकीने मक्का क्या करते थे, मुशरिकीने मक्का यही शिर्क करते थे, इसके सिवा कोई दूसरा शिर्क नहीं करते थे।
तो मतलब मक्का के मुशरिक का अल्लाह पे भी ईमान था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तस्दीक कर ली थी। उनके नबी उनके जमाने के नबी और उनके जमाने के औलिया पर ईमान रखते थे, मतलब उन्होंने अल्लाह पे ईमान ला लिया था। और देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक जब आ गया तो जो बात के जो लोग आए जो उसमें रहे तो उनको वाजिब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते थे। वो तो फिर ईमान में दाखिल ही नहीं हुए ना, फिर आप कैसा ही कह लिए कि वो ईमान लाते थे। ने क्या फरमाए थे अपने आखिरी वक्त में, हदीस आखिरी वक्त की नसीहतें याद है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाए थे कि लानत यहूद नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सज्दागाह बना लिया, उनके अंबिया की कब्रों को उन्होंने वसीला बनाया। अरे वसीला ही है वो, देखिए पक्की खबर को बीच में न लाया। अरे अल्लाह अब वसीला ही है वो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ नदीम भाई, दो दो मिनट टाइम तय कर ले तो भाई तुम्हें समझ नहीं रहे कि वो जो वसीला लगा रहे थे यहूद और नसारा अल्लाह के नबी लानत कर रहे थे। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। नहीं आपने बताया ही नहीं वसीला किस तरह से लगा रहे हैं, क्या इस क्या वसीले की बहुत सारी। मैं आपको बता सुने ना भाई, बात तो सुने, तो इसीलिए तो बोला था भाई पहले तुम अपने दावे में दलील दो, बात तो सुने, तो बात आगे हो ना। दावे में अपने दलील नहीं दे रहे हो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। नदीम भाई मैं क्या कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुने, आप जज्बात में ना आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ वसीला कैसा लेते। अब मैंने दुआ किया, ये अल्लाह मेरे तो अबीरा और सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, मैं नबी अलैहिस्सलाम के जात मुबारक का वसीला देता हूँ, तो मेरे अबीरा सगीरा गुनाह को माफ फरमा। क्या मेरे इतना कहने से मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो गया? आपकी नियत क्या है? वो जो तुमने जो कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को वसीले देता हूँ, उसमें नियत क्या है? नीयत मेरी ये है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को सुना रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, सिर्फ जरिया आपकी बस आपका मर्तबे मुबारक का जरिया दे रहा हूँ बस, दूसरी कोई नहीं। ये शिर्किया वसीला है, ये वसीला शिर्किया है, मतलब यही मुशरिक ने मक्का लगाया कर, यही मुशरिक ने मक्का वसीला लगाया करते थे, इसलिए उन्हें मुशरिक कहा गया। आप करेंगे तो आप मुसलमान कैसे? अच्छा अच्छा मतलब इतना कहने से मैं शिर्क कर लिया, और यही वसीला मक्का के मुशरिक लगाते थे और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की क्या शरीयत की तस्दीक कर ली थी उन्होंने? नहीं, उन्होंने नबी की तस्दीक नहीं की थी, कर लेते तो वसीले से हाथों बैठते ना। तो वो अपनी शरीयत भाई, वो मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्होंने इस बुनियाद पर उन्हें मुशरिक डिक्लेयर कर दिया। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उनको मुशरिक डिक्लेयर किया, उनके माल और जान दोनों को मुसलमानों पर हलाल कर दिया, कलमा उतरा ही इसी वसीले के रद में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा ही इसी वसीले के रद में है, तौहीद आई ही इसी वसीले के रद में है। मुशरिक मक्का यही शिर्क करते थे, इसके सिवा वो दूसरे गुनाह नहीं कर, दूसरा शिर्क नहीं करते थे। चले ठीक है ओके, अब दोस्त अब खामोश रहे नदीम भाई। देखे दोस्तों सबसे पहले बात तो इन्होंने कहा है, जैसे मैंने वसीला बताया भी आपको मैं किस तरह से। नदीम भाई एक लुकमा लेना चाहता हूँ आपसे, अगर इस वसीला अगर कोई अहले इल्म के कायल आइम्मा मुहद्दिसीन व फुकहा तो वो भी शिर्क कर बैठे ना। ऐसे वसीले का कोई कायल नहीं है, अहले सुन्नत में ऐसे वसीले का कोई कायल। मैं दलील दूंगा ना। हाँ दो, मैं दलीलों का अंबार लगूंगा, टेंशन ना ले आप, उसकी फिक्र ना करे, वो मुझसे छोड़ दे आप। ठीक है अब मुझे एक बात बताइए, जो आपने ये अकीदा बांधा है क्या ये आपका पर्सनल अकीदा है या सलफ सालिहीन ने ऐसा नजरिया बनाया है? किताब सुन्नत वाला अकीदा है। नहीं नहीं, सलफ सालिहीन ने भी ऐसा ही नजरिया पेश किया जैसा आप कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, सलफ सालिहीन ने थोड़ी बनाया है सब। तो मतलब ये सलफ सालिहीन से किसी साबित ने 1400 साल के बाद अपने पेट का बोझ निकाल रहे? बिल्कुल नहीं भाई, सलफ सालिहीन होगा कैसे? अच्छा हाँ दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दलाल शुरू। और नदीम भाई अगर कोई इससे ज़ईफ हदीस होगी तो उससे भी शिर्क का इख़्लाफ़ होगा ना? ज़ईफ हदीस से कोई अकीदा होता है क्या? ज़ईफ हदीस से अकीदा साबित होता है क्या भाई? अरे अकीदे के लिए नसे कतई लगती है, अकीदे के लिए सही हदीस नसे कतई लगती है, ज़ईफ हदीस कहाँ से आ जाएगी? देख आप खुद कह रहे हैं अकीदे के लिए नसे कतई लगती है, और फिर खुद कह रहे हैं ये अकीदे में से आता ही नहीं वसीला। अरे सही हदीस से अकीदा पेश नहीं किया जाता बल्कि रद्द किया जाता है, ऐसा मांगना ही नहीं जाएगा अकीदा। अल्लाह के बंदे ज़ईफ हदीस अमाइल में कबूल फजाइल में ज़ईफ हदीस ली जाती है। अरे वो भी गलत अल्लामा नबवी अफकारे के पेज नंबर 43 ली जाती है। यहाँ फजाइल की बात भी नहीं चल रही है, वो ठीक है खामोश रही है। मैं दलील देता हूँ, वो खामोश रही है आप।
बरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दलाइल शुरू करता हूँ। ये मैंने खोल लिया है कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम। ये आयत है सूरह माईदा, ठीक है। बिबरकत बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वबतगु इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। दोस्तों ये मेरे हाथ में तफसीर है, ठीक है। तफसीर किसकी है? ये मेरे हाथ में तफसीर है खाजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मुतवफ्फा 1142 हिजरी टू 1225 हिजरी। सूरह माईदा की आयत नंबर 35 के कॉन्टेक्स्ट में तफसीर में लिखते हैं कि और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसत तक दूसरे औलिया उम्मत तक और कामिलीन तक भी वहां तक रसाई है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसत तक मुरत्तब व वसीला तक किसी दूसरे के रसाई की नफी नहीं है। कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक को जाहिर किया गया है। खुर्बे इलाही का हर दर्जा वसीला है। तफसीर मजारी जिल 3 सफा नंबर 333। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा और उसकी तफसीर मैंने ऐसे एक इमाम पेश की जो ना बरेलवी है और ना देवबंदी है। 1142 हिजरी के इमाम है, शाहुलिल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे के शागिर्द है, मिर्जा मजहर जाने रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की है इन्होंने, ठीक है। और ये मेरे हाथ में दूसरी दलील है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं दलील आपको दे दूंगा। आप पहले अपनी बात रखें और आप अपने नेक अमल का वसीला लेते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम से साबित करेंगे आप या सहाबा से साबित करेंगे आप, ठीक है। नदीम भाई बोले, आपका टाइम शुरू हुआ। जो आपने दलील दिए ना वो आपके वसीले की दलील नहीं, हमारे वसीले की दलील थी। वबतगु इलैहिल वसीला, नेक अमल का वसीला तो हमने पहली किस्म बता दी कि पहली किस्म वो जायज है। इसमें साबित करें ना आप, इसमें साबित करें नेक अमल। अपने टर्न में बोले नदीम भाई, मैं बोलना नहीं चाहता आपके टर्न में, मैं आपको फुल मौका देना चाहता हूँ, ऑथोरिटी दे रहा हूँ। अपने नेक अमल की वसीले की आप जो दावा करें उसके मुताबिक दलील होना चाहिए। बुरहान तुम इन कौन तुम सौ देखे की पहली किस्म जो जायज है, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, ये वो वसीला है, इसका मुनकिर काफिर है। और ये जो आपने आयत करीमा पेश की वबतगु इलैहिल वसीला, ये नेक आमाल का वसीला है। आदमी जिहाद करे, आदमी सदका खैरात करे, आदमी कोई भी नेक काम करे और उसका वसीला अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए लगाए, अल्लाह ताला के नामों का विर्द करे दुआओं से पहले, या रहमान या रहीम, उससे पहले सूरह फातिहा पढ़े, उससे पहले दुरूद पढ़े, तो ये सब चीजें नेक आमाल है, इसका वसीला जायज है, हम इसके मुनकिर नहीं है। हमारे ही दावे पर आपने दलील पेश की है, अपने दावे पर आपने दलील नहीं पेश की है। पर इन तनाजातु फी शैइन फरदू इलल्लाह व रसूल, कि जब तुम में इख्तलाफ हो जाए तो उसे लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। आपको दलील उस कॉल उस दावे पर पेश करना थी कि अपने और अल्लाह के दरमियान जो अंबिया की जात को आपने रखे हो इस पर आप दलील दो। इस पर आपने दलील नहीं दी, आपने नेक अमल की दलील दे दी है, वो हमारी भी दलील है। आपने अगर दुआओं की वसीला बताओगे तो वो भी हमारी दलील है। जात को बीच में रखना है, इसकी दलील दो मनहज सलफ से। पानीपत मनहज सलफ में नहीं आते, आपको ये भी नहीं मालूम, आप उनका हवाला नहीं दे सकते दावे के मुताबिक, समझ में। पानीपत मुताखरीन में से है, मुतकदमीन में से नहीं है। अब जल्दी से आप उस अकीदे की दलील दो कि अपने और अल्लाह के दरमियान किसी की जात मकाम मर्तबे को वसीला बनाया जाए, चाहे मलाइका हो, चाहे अंबिया हो, चाहे औलिया हो, चाहे ऐसी मखलूक जो गुनाह नहीं करती, जैसे हिंदू वसीला लगाते हैं ना, नदी नाले पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे, वो भी वसीले ही लगाते हैं, वो भी ये समझते हैं कि मखलूक अल्लाह ताला के नजदीक अफजल है, गुनाह नहीं करती, अल्लाह ताला इनकी सुनेगा या इनके मकाम मर्तबे की वजह से हमें बख्श देगा। तो इस पर आपको दलील देना है, बताना है कि अगर ये वसीला जायज है तो मुशरिक ने मक्का को मुशरिक क्यों कहा गया? बोलो भाई। हो गया आपका नदीम भाई। हाँ बिबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों देखे, सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है, इन्होंने ना उनके आमाल की एक भी दलील दी, क्योंकि ये खुद के अपने नेक आमाल का वसीला लेते हैं, उससे उन्होंने एक दलील दी। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने कहा था कि मैं जो वसीला लेता हूँ वो वसीला शिर्क के अकबर है ना, शिर्क के अकबर की तारीफ की इन्होंने। मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करना था करके मैंने वहां से इनको काट दिया, मैं पॉइंट पर आ गया। दूसरी बात दोस्तों,
इन्होंने अभी तक नफी नहीं की कि मैं जो नबी अलैहिस्सलाम के नाम है मुबारक का वसीला लेता हूँ कि ये शिर्क है। इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी ना हदीस पढ़ी, अल्लाह की कसम रात गुजर जाएगी लेकिन नदीम भाई ये पढ़ नहीं सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1385 नंबर की हदीस है, उस्मान बिन हुमैस रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत है कि एक नाबीना शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास अर्ज़ किया, आप मेरे लिए अल्लाह ताला से सेहत व आफियत की दुआ फरमा दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहूँ जो बेहतर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। वो शख्स कहने लगे कि आप दुआ कर दीजिए। तब ने नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिए वजू करो, ठीक है, अच्छे से वजू करो, फिर दो रकात नमाज पढ़ो, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम अपने ज़ात मुबारक का वसीले से दुआ किया है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, वो नाबीना शख्स फरमाते हैं मैं सवाल करता हूँ, तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो नबी रहमत है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जरिए से अपने रब की जानिब इस काम में तवज्जो की तक पूरी करता हूँ, और ऐ अल्लाह मेरे हक में इनकी शफात कबूल फरमा। इसकी सना सही है, अलबानी ने इसके हदीस सही कहा है, सुनन तिर्मिज़ी भी हदीस मौजूद है, ठीक है। इससे बात साबित हो जाती है कि वो सहाबी नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेने आए थे। अगर वो सहाबी का ये अकीदा होता था कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं तो वो सहाबी खुद नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो कहते थे कि क्या करने का, नबी अलैहिस्सलाम खुद दुआ कर रहे हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम को उनको दुआ सिखाना नहीं होता था, वसीला सिखाना नहीं होता था, तो नबी अलैहिस्सलाम उन्हें कहते थे कि जाओ तुम चले जाओ, आज से मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उन्हें दुआ सिखा रहे हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मुबारक पे शिर्क का इतलाक करना ये इस्लाम पे एक जुल्म है। दूसरी बात दोस्तों, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1010 नंबर की हदीस है, जिसमें हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के वफात मुबारक के बाद दुआ कही कि हम पहले नबी अलैहिस्सलाम के नाम पहले वसीला लेते थे, फिर बाद में हम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है तो हम उनके जरिए से अल्लाह की कुर्ब पा रहे। इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा भी हमें वसीला लेना जायज़ है। दूसरी बात दोस्तों, सुनन अबू दाऊद की हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरे बाद तुम मेरे खुलफा की पैरवी करना, लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ये बता रहे कि मेरा उमर मेरा वसीला लेता था, मेरे चचा का वसीला लेता था, तुम भी वसीला लो। तो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से वाजिब साबित हो गया। अगर जो खुलफा की अमल को शिर्क बिदत का इतलाक करेगा, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, जरा सोचो कि ये इस्लाम पे कितना बड़ा जुल्म है। बोले नदीम भाई। देखिए भाई, फिर इन्होंने एक और गलती की है, ये फहम सलफ से महरूम है, कुरान हदीस को अपनी अक्ल से समझ रहे हैं और जब दलील पेश कर रहे हैं तो हमारे अकीदे की पेश कर दे रहे हैं। हमने वसीले की दो जायज़ किस्म बताए थे, एक पहली नेक अमाल, दूसरी दुआएं। तो इन्होंने पहली दलील जो दी थी वक्त इलाहिल वसीला, वो भी हमारी दलील थी नेक अमाल, इनके वसीले की दलील नहीं थी कि अपने और अल्लाह के दरमियान किसी की ज़ात रखी जाए। और दूसरी दलील इन्होंने जो दे दी उस्मान बिन हुनैफ की रिवायत, वो भी हमारे दावे की दलील है ना कि इनकी। उसने साफ अल्फाज वाज तौर पर लिखा है कि उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक नाबीना शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपसे कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए। तो ये जायज वसीला है, हम हमारे जमाने में नेक लोगों से दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं, भाई आप हज करने जा रहे हैं मेरे लिए दुआ करना, मस्जिद में आप जुमा पढ़ाने जा रहे हैं मेरे लिए दुआ करना, ये वसीला नाजायज नहीं है। या तो दुआ की बात है और अल्लाह के नबी ने उन्हें दुआ ही सिखाई, और सबसे अहम बात, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनका दावा मुकम्मल है या अधूरा। इनका जो अकीदा है वो फौज शुदगान को बीच में रखना है, और सहाबी रसूल की जो रिवायत पेश कर रहे हैं ये फौज शुदगान वाली नहीं है, अल्लाह के नबी उनके सामने मौजूद है लेकिन अल्लाह के नबी वाले दुआ करना सिखा रहे हैं, ये दुआ का वसीला है ना कि जात का। और वो ये दुआ सिखा रहे हैं कि अल्लाह मैं नबी अलैहिस्सलाम को वसीला बनाता हूँ, यानी अल्लाह के नबी जो दुआएं कर रहे हैं जो दुआएं करे वो मेरे हक में कबूल फरमा। तो ये वसीला जायज है, ये वसीला वो है ही नहीं कि अपने और अल्लाह के दरमियान किसी की जात को रखा जाए, ये तो दुआ का वसीला है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने भी वसीले में दुआ की थी, हजरत उमर ने, अगर जात का वसीला जायज होता तो हजरत अब्बास का मकाम तो बहुत छोटा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद थी,
आपने हजरत उमर ने उनका वसीला नहीं लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मौजूद थी, वो उम्मत के अफजल तरीन शख्स है, सिद्दीक है, उनका वसीला नहीं लिया। किन का वसीला लिया? नबी के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अनहु का, जो के हयात थे, और जिंदा लोगों से दुआ कराई जा सकती है, उनको दुआ के लिए किया जा सकता है, उनको वसीले के लिए आगे किया जा सकता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ये जायज वसीला है। इनका जो अकीदा है फौत शुदगान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब दुनिया से चले गए हैं, वफात पा चुके हैं, फिर भी अपने और अल्लाह के दरमियान उनको रख रहे हैं। इनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरतुल कहफ में क्या फरमाया, अफहसिबल्लजीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। और ये काफिरों ने ये समझ लिया है कि वो अल्लाह ताला को छोड़कर उसके महबूब बंदों को अपना कारसाज बनाएंगे। ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे अंबिया औलिया मलाइका को आप वसीला बना लो मरने के बाद, और इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं हुक्म ही नहीं दिया है, शरीयत नाजिल ही नहीं की है, और आप समझो कि आप ईमान वाले रहोगे तो आप जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने वार्निंग दे दिया कि तैयार रहो, ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार है। तो आपको ये बताना है कि मरने के बाद फौत शुदगान को अपने और अल्लाह के दरमियान रखना है, उनके जात और मकाम को वसीला रखना है, इस पे दलील देना। आपको दलील दीजिए। हो गया आपका नदीम भाई। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना। दोस्तों देखा ना आपने, नदीम भाई ने 3 मिनट तक बोला लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ अल्लाह की कसम ये रात गुजर जाएगी लेकिन अभी तक ये दलील नहीं दे पाएगे कि वसीला शिर्क है। देखा दोस्तों आपने, इन्होंने एक दलील नहीं दी कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक का वसीला लेना शिर्क है, ठीक है। और दोस्तों सबसे काबिले गौर की बात यह है कि जब मैंने इनसे कहा कि जो आप नजरिया बना रहे हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक का वसीला लेना शिर्क है, तो सलफ में से किसने कहा? तो इन्होंने कहा सलफ की क्या जरूरत है, कुरान हदीस में मौजूद है। तो जब मैं काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, जब मैंने हदीस दिया तो उन्होंने सलफ की तरफ क्यों आए? पॉइंट टू बी नोटेड। तो इनके बातें में खुद तजाद है। दूसरी बात दोस्तों काबिले गौर की बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जब नादिन शख्स आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें वसीला सिखाया अपनी जात मुबारक का, ठीक है। वो सहाबी वहाँ मौजूद नहीं थे बल्कि अपने घर जा चुके थे, ठीक है। आपने उनकी रहमत नबी की जात मुबारक का वसीला की थी, सहाबी आए ही थे इसलिए। दूसरी बात दोस्तों, जब मैंने खाजी सनाउल्लाह पानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैंने तफ़सीर पेश की मजारी की जिन 3 सफा नंबर 313, तो उसमें एक पॉइंट की बात यह है कि उन्होंने कहा हर वो कुर्ब इलाही बिना रसाई बिना कैद के रसाई अल्लाह तक। तो दोस्तों खाजी सनाउल्लाह पानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह की तफ़सीर इनके ताईद कैसी कर रही है? पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि हर वसीले में, क्योंकि वसीला हर वो कुर्ब इलाही है, इसमें कैद बांधने की। तीसरी बात दोस्तों काबिले गौर की ये बात है, इन्होंने कहा है कि फौत शुदा था। तो अब मैं नदीम भाई से पूछना चाहता हूँ, मासूमाना मेरा सवाल है कि ये फौत और हयात ये तख्तीस कितने की? क्या नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वो सहाबी वसीला ले रहे थे तो उन्होंने शिर्क नहीं किया? मतलब अब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके अपने कब्र मुबारक में, अब कोई ये काम कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की ज़बाने मुबारक से निकले हुए अल्फाजों का, तो वो शिर्क कैसे हो गया? हालांकि शिर्क तो हर हाल में शिर्क होता, शिर्क की कैटेगरीज नहीं बदली जाती कि अब शिर्क हो गया तब शिर्क हो गया, वो तो हर हाल में शिर्क होगा। क्या सहाबी मुशरिक है माज़ अल्लाह? दूसरी बात जिन्होंने कहा, दूसरी बात दोस्तों, मैंने जब सही बुखारी की हदीस पेश की 10 नंबर की, तो इन्होंने कहा है कि उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के खबर मुबारक पर क्यों नहीं गए? मौला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक पर क्यों नहीं गए? तो दोस्तों काबिले गौर की ये बात है कि हम पहले नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेते थे, हालांकि नाम ले गया, और ये उसूल कहीं बनाया हुआ है दोस्तों। फतुहुल बारी में इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी शरह में खुद लिखा है कि इससे साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा भी हम वसीला ले सकते हैं, जैसा उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने था, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने किस तरह से रिस्पेक्ट किया करते थे। इन्होंने एक दलील नहीं दी दोस्तों, एक भी दलील नहीं दी। दूसरी बात दोस्तों, इमाम जसारी अल मुतवफ़ा 741 हिजरी कहते हैं
कि दुआ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाओ, हसीन हसीन पेज नंबर 25, 700 हिजरी के इमाम है दोस्तों ये। दूसरी बात दोस्तों, इमाम नवी अल मुतवफ़ा 674 हिजरी लिखते हैं कि ऐसा शख्स जिसका तकवा मशहूर हो इसके जरिए से बारिश तलब करे, किताबुल अस्कार पेज नंबर 243। दोस्तों तकवा हर हाल में तकवा होता है, चाहे दुनिया से चल जाए चाहे दुनिया के बाद रहे। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक वफात के बाद हजरत हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला ने जो अल मौजमल और सगीर में हदीस है ना कि हजरत हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला, तो उसके उनके नबी सल्लम के वफात मुबारक के बाद वो सहाबी एक ताबई को हदीस सुना रहे हैं, जिसको मौजमुस जवायद में इमाम हैसमी ने जिल दो के रकम नंबर 3629 नंबर पर उन्हें हदीस लाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक में जो हजरत हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला जो वसीला जो रावी थे ना उन्होंने, तो वही हदीस उन्होंने अपने ताबई पूछ रहे, पता चला कि सिलसिला तवत्तर से चालू है। तीसरी बात दोस्तों, इमाम तुबी की अल मुतवफ़ा 756 हिजरी लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल लेना हर हाल में जायज है, शिफाउ सिफान सफा नंबर 358। दोस्तों इब्ने तैमिया के रद्द में इमाम तुबकी ने किताब लिखी थी, क्योंकि इब्ने तैमिया ने पहली बिदत ईजाद करा था किताबुल वसीला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात मुबारक का इनकार करके, जो सलफ से कहीं से साबित नहीं है दोस्तों, तो ये इब्ने तैमिया इनकार करा था दोस्तों। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा की आयत नंबर 115 में फरमाता है कि मोमिनों का रास्ता छोड़ने वाला गुमराह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आइमा मुहद्दिसीन मुताखिरीन मौर्रिखीन, ये तवस्सुल जो हर हाल में चलता हुआ आ रहा है तवस्सुल तवत्तुर के साथ, तो ये इसको किसी ने इनकार नहीं किया दोस्तों, ठीक है। और क्योंकि अल मौजमल औसत की हदीस है, हदीस नंबर 6502 नंबर की, जिसमें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वसीला सिखाया, हालांकि इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि ज़ैद बिन रहमान इसके अंदर एक रावी ज़ईफ है, लेकिन मेरे हाथ में किताब है पीर बजुर्ग शाह राशिद ज़ुबैर अली जिया के उस्ताद मकालात 2 सफा नंबर 348 से लिखते हैं कि ज़ईफ हदीस से अमल करना इससे उम्मत का इजमा है, और उन्होंने तकरीबन 10 मुहद्दिसीन के हवाले दिए। दूसरी किताब गैर मुकल्लिदों के अभी हाल में जो आलिम इंतकाल हुआ उनका नाम है मौलाना अब्दुल सलाम, ठीक है, उन्होंने तफ़सीर दावतुल कुरान लिखी है जिसका जिल्द नंबर 1 है, उसका अरब लिखी कि ज़ईफ हदीस से अमल आइमा मुहद्दिसीन ने जायज करार दिया है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नबी अलैहिस्सलाम का ज़ात मुबारक का भी वसीला साबित कर दिया, ठीक है, इन्होंने एक भी दलील नहीं दी दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का वसीला लेना शिर्क है, ना शिर्क की तारीफ, अल्लाह की कसम रात गुजर जाएगी दिन निकल जाएगा क़यामत की सुबह तक, ये ना सलफ से भी बता पाएंगे कि शिर्क है, अपनी मन मर्जी तावीलात कर कर उन्होंने एक नजरिया करवाया। बस तुम ऐसी बात है ना कमल सलील हमारी आमिल अस्तारा कैसे गधे हैं जिन पे किताबें लगी हुई है, क्या बोल रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या समझ रहे हैं कुछ मालूम ही नहीं। अरे भैया जो तुम दुआओं वाला वसीला बता रहे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सहाबी को दुआ सिखाई वैसे पूरी उम्मत को दुआएं सिखाई है कि तुम ऐसे ऐसे दुआ करके वसीला बनाओ। तो तीन जिंदगी के स्टेज होते हैं, एक स्टेज होता है दुनिया की जिंदगी का, एक स्टेज होता है आलम बरज़ख यानी मौत के बाद की जिंदगी का, और एक स्टेज होगा कयामत आखिरत वाली जिंदगी का। तो नबी अलैहिस्सलाम की तीन जिंदगियां हैं, दुनिया की जिंदगी, आलम बरज़ख की जिंदगी, और कयामत के बाद वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी। तो दो जिंदगियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया गया है। जब आप दुनिया में मौजूद थे सहाबा इकराम आपके पास आकर आपसे दुआएं करवाया करते थे, आप उनके लिए दुआएं करते थे, बारिश होती थी, ये जायज वसीला है। और यही बात उन्होंने कहे हैं कि जो मुत्तकी है उसके दुआ करवाई जाए, तो जो मुत्तकी दुनिया में आप जिसे समझते हो उससे दुआ करा सकते हो, जैसे सहाबा अल्लाह के नबी से कराते थे, अल्लाह के नबी से लोगों को दुआ सिखाते थे। और एक तरीका अल्लाह के नबी ने बताया है आखिरत में दुआ का, और एक तरीका बताया है दुनिया में रहते हुए तुम मेरे लिए दुआ करो। तो हम अजान के बाद जो वसीले की दुआ करते हैं मुकाम महमूद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा, तो ये दुआएं करना जायज है, ये वसीला जायज है, इसमें कहीं जात का वसीला नहीं आता, मकाम मर्तबे का नहीं आता, बल्कि खालिस ये यहूदियों का तर्ज अमल है। सूरतुल माईदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। यहूद और नसारा इस बात पर खुश होते थे और वो अंबिया अकराम के बेटे हैं और अपने आबो अजदाद के अमाल पर फक्र करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों अपने आबा व अजदाद के
اسلاف کے شر پر فخر نہ کرو بلکہ اپنے ذاتی اعمال ہی پر نظر رکھو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا قرب اور اس کا قرب وسیلہ تلاش کرو. تو اس وسیلے کو کہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ انبیاء کا مقام ان کا مرتبہ, اولیاء کا مقام ان کا مرتبہ, ایسی مخلوق کا مقام مرتبہ جو گناہ نہیں کرتی, یہ کام تو یہودی کیا کرتے تھے, مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, مسلمان نہیں کیا کرتے تھے. مسلمانوں نے کہیں پر بھی یہ وسیلہ نہیں لگایا ہے بلکہ اسے مشرکین مکہ کا وسیلہ کہا گیا. امام جریر طبری نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن نیک لوگوں کو مشرکین اپنے رب سمجھ بیٹھے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں, یعنی وہ نیک لوگ اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں, اس طرح وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جن کو یہ لوگ وسیلہ بناتے ہیں, جیسے وسیلہ بنا رہے ہیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ وسیلہ ہے, تو یہاں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جسے وسیلہ بنا رہے ہو وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اور وہ پہلے کے انبیاؤں کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی مشرکین مکہ یہی عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں بول رہے کہ وہ تو خود ویسے اللہ تعالیٰ قرب تلاش کرتے ہیں, وسیلہ تلاش کرتے ہیں. تو بھائی آپ نے اپنے عقیدے پر ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی, جو بھی دلیل دی ہمارے وسیلے پر دی, مشرکین مکہ کے وسیلے کو آپ نے جائز ثابت کرنے کی کوشش کی. اگر یہی دلیل آپ کی جائز ہے اور یہ وسیلہ شرک نہیں ہے تو آخری بات مجھے بتائیے مشرکین مکہ مشرک کیوں ہوئے, اور یہ بات کا جواب دیجیے, ہماری بات ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کو دلائل تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمارے دلائل دے کے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہو. بتاؤ بھائی مشرکین مکہ کو, مشرکین مکہ کا وسیلہ کیسے ناجائز ہوا پھر؟ ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلے بات تو جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہالت ہی بچے گا. ندیم نے ابھی تک ایک دلیل نہیں دی دوستو, ایک تو شرک کہا ہے, نہ سلف میں سے بتایا ہے کہ نظریہ کس کا تھا, اور حالانکہ جب میں نے دلائل دیا, حالانکہ میں نے پانچ آئمہ محدثین سے دلیل دیا, وہ بھی ذات مبارک کی دلیل دیا دوستو, میں نے پہلے اس سے کہا تھا یہ شرک کے لپیٹ میں کتنے بڑے بڑے اہل علم آئیں گے, اسے خود شعور نہیں ہے, کیا بول رہا ہے اسے بھی خود شعور نہیں ہے. دوسری بات دوستو, میں نے قرآن سے تفسیر پیش کی, ہر قرب الہی ہر میں بنا قید آ جاتے دوستو, اس میں ایک بھی دلیل پیش نہیں کی. ٹھیک ہے, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہتے ہیں تو نیک اعمال سے نہ قرآن سے دلیل پیش کی نہ حدیث سے پیش کی. ہر الگ اس کو چاہیے تھا کہ میرا رد کرتے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے حدیث پڑھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک کا وسیلہ لینا شرک ہے. کوئی حدیث نہیں پڑھی, کوئی آیت نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, نہ سلف میں سے کسی کا قول بتایا. الحمدللہ جب میں ریکارڈنگ ڈالوں گا ندیم کی تو جہالت واضح ہو جائے گی کہ میں نے اتنے سارے حوالے دیے. دوسری بات دوستو, میں نے کہا تھا کہ یہ وفات اور بعد وفات کی تخصیص کون کرے, کیونکہ اللہ رب العزت حکم خود نافذ کرتا ہے. کیا یہ آپ کا شریعت میں حکم کہ آپ اپنی زبان شریعت میں چلائیں گے؟ کیا آپ شریعت میں حجت رکھتے ہیں کہ جائے گا خاموش رہے؟ دیکھیں انس بھائی, میں نے بیچ میں نہیں بولا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس بات سننے کی. میں اس کی 3 منٹ تک بات کنٹینیو سنتا رہا, میں جہالت واضح کروں گا. ٹھیک ہے, پہلے تو اس نے گدھا بولا تو میں نے اس کو پلٹا کے جواب بھی نہیں دیا, جذبات میں آیا نا اس واسطے, کیونکہ میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. اس نے گالی بھی دیا, میں نے کچھ نہیں بولا. تو دوستو میں نے ہر سوال کا جواب دیا اور میں نے اپنے سارے دلیل پیش کریا. دوسری بات, میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا دوستو کہ مکہ کے مشرک کو وسیلے کے بنا پر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا, اس کا جواب بھی نہیں دیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 سے ابن تیمیہ نے بھی اس سے دلال کیا ہے, اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 سے بھی ابن تیمیہ چل گئے, وہ اپنے قرب تلاش کرتے تھے. ٹھیک ہے دوستو, امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ سیوطی المتوفا 911 ہجری در منصور میں لکھتے ہیں کہ وہ بتوں کو پکارتے تھے, بتوں کو اس لائق سمجھتے تھے, اور الحمدللہ اس کے بہت سارے دلیل ہیں, کیونکہ اس کے دلیل یہ بھی موجود ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نمل کی آیت نمبر 35 میں فرمایا, اور مشرکین کہتے تھے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی کی چیز کو پوچھتے. کافر اس سے دعویٰ کرتے کہ کافر کہتے تھے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم
पे अजाब नाजिल ना करता। मतलब काफिर ये समझते थे कि अल्लाह हम पर अजाब नाजिल नहीं कर रहा, इस वास्ते हम दूसरा खुदा को पूज रहे हैं उसकी रजा के लिए। तो कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी तफसीर कर रही है, इसे इसका इल्म नहीं है और शिर्क कह रहा है। इसको कितना बड़ा, इसको यही नहीं मालूम कि इसके शिर्क के जुमुर में कितने बड़े बड़े अहले इल्म आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत नदीम भाई इल्म हासिल करो आप। चलो अब आप हो गए आपकी बात भाई। आप ये अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि इनके वसीला जायज होने से मुशरिक ने वक्का का वसीला शिर्क कैसे कहलाएगा। अब चलो फिके अकबर एक किताब है, फिके अकबर इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब, इसकी शरह हनफी आलिम मुल्ला अली कारी हनफी ने की है। क्या लिखते हैं? ठीक है ठीक। किसी आदमी का इस तरह दुआ मांगना मुकरू है कि ए अल्लाह मैं तुझसे फलाह का फलाह के वसीले या नबियों और रसूलों के वसीले से और बैतुल्ला या मशरेल हराम के वसीले से दुआ करता हूँ, क्योंकि मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं, हराम कह दे रहे हैं। फिकह अकबर में मुल्ला अली कारी, अब इनका वसीला जो अभी तक बता रहे थे और आइम्मा की तरफ मंसूब कर दे रहे थे, उच्चो बड़े बड़े ने कहा, मुल्ला अली कारी ने हुक्म लगा दिया कि ये मकरू है। हो गया मामला क्लियर? फिकह अकबर में लिखा है, इस ऑडियो के साथ ये स्क्रीन शॉट लगा दिया जाएगा। जवाब सुनिए अब आखिरी बात, मुशरिक ने मक्का का वसीला, इसका जवाब सुनिए, मुशरिक ने मक्का का शिर्क कैसे साबित करोगे बताओ? इसका जवाब सुन के जाए, जो आपने सिर्फ अकबर का जो हवाला दिया ना, बरकत बिस्मिल्लाह दोस्तों, ये जो सिर्फ अकबर का जो हवाला दिया जाता है ना, ये जुबैर अली जैन ने अपने मकालात में भी लिखा है। इसकी असल में बताता हूँ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सबसे पहली बात तो इमाम आजम ने जो फरमाया है बी हक्की की वजह से फरमाया है, क्योंकि मखलूक पर किसी का हक नहीं है। ठीक है, मखलूक का हक अल्लाह पर नहीं है, क्योंकि मोताजिरों का अकीदा था कि वो कहते थे कि अल्लाह पर वाजिब है कि जो नेकी करता है तो उसको सवाब ही दे, क्योंकि उसको अजाब नहीं दे सकता, और जो गुनाह करता है तो अल्लाह पर वाजिब है कि उसको उसकी सजा बरोबर दे। लेकिन मेरा करीम अल्लाह उसकी मर्जी, वो चाहे तो गुनाहगार को नेकी भी दे दे, और जो नेकी कर रहा है तो उसके किरदार के मुताबिक उसको आजाद भी दे। ये मोताजिलों का अकीदा था जो हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला के दौरे मुबारक में ये अकीदा लेके पैदा हुए थे। ठीक है, और दुर्रे और फतूल खजीर में इमाम हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद वाज़े लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेना बिल्कुल जायज़ है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने भी हक के वजह से रोका गया है यहाँ पे, कि किसी ने ये गुमान नहीं करना कि इसी के वजह से वसीला अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। तो इनके गैर मुकल्लिदों को इतना जमा का हूँ कि फिका को समझ सके, इमाम आजम के कॉल को समझ सके। दोस्तों अल्लाह की कसम, अभी तक एक जवाब नहीं दिया, 35 मिनट रिकॉर्डिंग हो गई है कि मेरे जो अकीदा है उससे एक दलील ने दी नदीम ने कि ये शिर्क है, ना अपने आमाल पे एक दलील दी, उल्टा मेरे आमाल जो मैं दलील पेश कर रहा हूँ कितने बड़े बड़े अहले इल्म शिर्क के जुमुर में आ रहे थे, इसका भी अंदाजा नहीं है दोस्तों। बोलो। अरे भैया, मुशरिक ने मक्का का वसीला कैसे, मुशरिक मक्का का शिर्क कैसे शिर्क हुआ बताओ ना। मैं ये तो दलील तुम्हारे जिम्मे है कि मक्का के मुशरिकों को इस वास्ते उन्हें शिर्क की इस वसीले की बुनियाद पर उनके मुशरिक डिक्लेयर कर दिया गया। हमने तो बता अल्लाह पर ईमान भी लाते थे, कुछ नहीं बताया आपने, कुछ नहीं बताया, मैंने तो दलाल का अंबार लगा दिया। हमने तो नाजायज वसीला शुरू में बता दिया ना, मुशरिक ने मक्का का वसीला तुमने नाजायज बताया, एक तो तुमने कहा शिर्क अकबर, शिर्क अकबर की तुमने तारीफ नहीं की, हमने शुरू में बता दिया। तुमने बहुत दूसरी बात मैंने तुमसे कहा है, बहुत अच्छा बात कह दी है कि ये जो अल्लाह ताला को कसम देते हैं तो ये जहमियों का अकीदा है, तो तुमने खुद मान लिया कि तुम जो दुआ करते हो अल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाते हैं तो अल्लाह पर हक के मुताबिक उस हक के, हम ये नहीं समझते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वसीले के बिना दुआ कबूल ही नहीं करता, हमारा ये तो कतन अकीदा है ही नहीं। ठीक है, तुम तो खुद अल्लाह ताला पर हक जता रहे हो ना, तुमने तो खुद मान लिया अपनी बात को, तुम्हारी दुआ वही है। हम ये क्योंकि ये तो हमारा असलाब से साबित है ना, फिर के असलाब इसमें जुमूर आएंगे। देखे आज के अंदर इबारत फहम तो बिल्कुल भी है नहीं मुझे। आप देखे नदीम भाई, आपने अभी तक दलील नहीं दी, 36-37 मिनट हो गए, आपने ना कुरान की आयत पढ़ी ना हदीस पढ़ी कि मैं जो अकीदा और नजरियात में लिए चलता हूँ मल्ला यस्तजीबु मिन दूनिल्लाह।
من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اور شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکتے ہوں اور ان کو پکارنے سے بھی غافل ہے. جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم ان کو وسیلہ بنا رہے ہو. اللہ اکبر. دوستو سب سے پہلی بات دیکھی ندیم بھائی کو استعانت میں استغاثہ اور وسیلے میں فرق ہی نہیں پتا. وسیلے میں کسی انبیاء کو سنانے کی ہم وہ نہیں کرتے یہاں پہ, ٹھیک ہے, نہ کسی اولیاء کو سنا رہے ہیں. یہ استعانت الگ چیز ہے, وسیلہ الگ چیز ہے. آپ کو دو میں ہی فرق نہیں معلوم ندیم بھائی, تھوڑا تو علم حاصل کرو ندیم بھائی. جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی عمل کا حکم ہی نہیں دیا تو تم یہ عمل کر کیسے سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے خلاف عمل کرے؟ معاذ اللہ. جو ثابت دعا یہ الزام تو تم لگا رہے ہو. میں حدیث کہہ رہا ہوں, حدیث کے بنا پر, اہل علم کے بنا پر کہہ رہا ہوں, اہل علم کی دعا بتا رہا ہوں. میں یہ شیطانی قیاس کم فہمی کی وجہ ہے, کم علمی کی بنا پر کہہ رہا ہوں. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے ہمارے لیے دعا کر دیجیے, اللہ کے نبی ان کو دعا کرنا سکھا رہے. ذات تو کہیں ہے ہی نہیں نا. مکہ کے مشرک جو رہتے تھے, سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں ہے کہ مشرک کہتے تھے کہ ایک اللہ حصہ, ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ ہمارے بوتوں کا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اور مکہ کے مشرک اللہ کا حصہ قرار دیتے تھے اور بوتوں کا بھی حصہ قرار دیتے تھے, تو وہ لوگ اللہ رب العزت کے شان مبارک میں شریک کرتے تھے. شرک یہ جو نکلا ہے یہ شرک سے نکلا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا فنکشن میں, ہم لوگوں نے شرکت کی, ہم لوگ یہاں پر شریک ہوئے, تو یہ شرک کرنا یعنی شرکت کرنا, ٹھیک ہے. لوگوں کے اعتبار سے میں وہ مکہ کے مشرک اللہ رب العزت کے شان مبارک میں وہ اس کو بتوں کو کھڑا کرتے تھے, وہ قرب بناتے تھے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے, ٹھیک ہے. اور یہ بات سورہ جن میں بھی موجود ہے یہ بات, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ اللہ رب جنوں کو وہ اللہ رب العزت کے رشتے دار قرار دیتے تھے, مکہ کے مشرک. کیا مکہ کے مشرک کو اپنے وسیلے کی بنیاد پر ان کو مشرک ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا وہ جس طرح سے وسیلہ میں لیتا ہوں کیا وہ وسیلہ اس طرح کا وسیلہ لیتے تھے؟ ایک بھی دلیل نہیں دی دوستوں نے, ایک بھی دلیل. ٹائم گزر جائے گا, میں کہہ رہا ہوں نا, ٹائم قیامت تک, ابھی تک دلیل نہیں دی. اور 43 منٹ ریکارڈنگ ہو گئی دوستو, ابھی تک دلیل نہیں دی. نہ دلیل دے پایا گئے, نہ اپنے اعمال پہ دلیل دے پایا, نہ میری نفی کر پایا دلیل. بھاگ گیا کیا انس؟ چل گیا کیا یہ ندی؟ جس کی تعریف نہیں کر پایا, کچھ نہیں کر پایا. نے مکہ مشرقی نے مکہ جو شرک کیا کرتے تھے تو وہ کیا دعا کیا کرتے تھے بتاؤ؟ تمہارے ذمے ہے, میرے ذمے نے کل ہاتھ برہان گندم صادقین. تمہارا دعویٰ ہے کہ جو میں وسیلہ لیتا ہوں. اچھا تمہارے وہاں ناجائز وسیلہ ہے کہ نہیں؟ ایک ہاں ناجائز وسیلہ ہے کہ نہیں؟ یہی ناجائز وسیلہ ہے, حرام ہے, کیا شرک ہے. کیا کیسا؟ جو مکہ کے مشرک وسیلہ لیتے تھے. ہاں کیسے دعا کرتے تھے بتاؤ؟ وہ تو اللہ رب العزت کی شان مبارک میں کھڑا کرتے تھے. کس کو؟ بتوں کو. ان کے بت کون تھے؟ جیسا حضرت مریم, حضرت عیسیٰ نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیتے تھے, معاذ اللہ. یہ مشرک نے مکہ کرتے تھے جنوں کو. تم کو یہودی عیسائی اور مشرک نے مکہ کا فرق ہی نہیں معلوم؟ کیا مکہ کے مشرک یہودی مکہ کے کعبے میں نہیں بستے تھے؟ ارے مشرک نے مکہ کا کیا پوچھا جا رہا ہے؟ نصارا کا نہیں. تو اس کی دلیل تمہاری, اس کی دلیل تمہیں دینا ہے کہ مکہ کے مشرکین میں وہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا کے الفاظ تو دکھاؤ. ارے دلیل تمہارے ذمے, میرے ذمے میں بھائی. دلیل دعویٰ تم کر رہے ہو, دلیل مجھ سے بھیک مانگ رہے ہو. میں نے تو تمہیں بتا دیا نا کہ یہی دعا کرتے تھے. دلیل تو میں نے کہہ دیا نا, میں نے تو تمہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 کے بعد مشرقی نے مکہ یا دعا کیا کرتے تھے, کیا دعا کرتے تھے؟
ऐ अल्लाह तेरे सेवा कोई शरीक नहीं सिवाय उसके जिसे तू अपना शरीक बनाए। कभी पढ़े रिवायत मुस्लिम की? हेलो, हो गया आपका, मुझे बोलने दे फिर आप। मुशरिक ने मांगा, क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई शरीक नहीं सिवाय उसके जिसे तू अता करे, जिसे तू शरीक बनाए। अताई अकीदा जो था ये मुशरिकीन मक्का का था। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम? मुझे हंसी आ रही है नदीम भाई, हंसी आएगी अभी। रो आराम से हंसो भी और रो भी। दोस्तों सबसे पहली बात तो खुद कहता है कि भागो मत, भाग गया, भाग जा। तुम्हें खुद अपने दावे से दलील नहीं मालूम? किफायत को तो चैलेंज किया था मैंने कि आज लाइव डिबेट कर ले। तुम्हें खुद अपने दावे पे दलील नहीं मालूम, मुकम्मल दावा तक नहीं मालूम, मक्का का शेर भी नहीं मालूम।